दोस्तों क्रिकेट चैनल के लिए एक शानदार लोगो कैसे बनाएं, तो हम आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्रिकेट चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं। जो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है इस टाइप का एकदम आसानी से प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों मैं हूँ अंजार खान और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु हिंदुस्तान में स्वागत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों आपको सीधे ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और पूरा डिटेल बताते हैं कि कैसे लोगों को क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिक्सल लैब है, यहाँ पर देखिए हम इसको ओपन कर दिए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसको रोटेट कर लेते हैं क्योंकि आसानी से बनेगा। यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट है, इसी को यहाँ पर हम डिलीट कर लेते हैं पहले। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए इमेज साइज है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर देखिए यूट्यूब थंबनेल वाला साइज रख लेना है। यह ऐसे भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं, मेरे पास है देखिए दो चीज़ है। पहला नंबर ये वाला है, इसका देखिए ये टेम्पलेट है लोगो का, इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एकदम आसान है बनाना क्रिकेट का जो लोगो होता है। उसके बाद पहले यहाँ पर क्लिक करके इसको देखिए लॉक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए एक बैट्समैन का PNG है, ये आपको मिल जाएगा। मेरे लिंक इसके लिए डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में या गूगल ड्राइव में। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम ले लिए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इसको हम देखिए कुछ सेट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लगे इसलिए यहाँ पर इसको देखिए हम लोग ले रहे हैं। इसमें यहाँ पर इसको सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आना है, इसको भी लॉक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, जो आपका क्रिकेट चैनल का नाम होगा उसको यहाँ पर आपको डालना है। जैसे मेरा क्रिकेट चैनल का नाम है स्पोर्ट्स 24 इंडिया, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट डालना होगा। कैसे डालना है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसी पर टाइप करेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्पोर्ट्स, क्या लिखना है स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे स्पोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर डन करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ले करके आ गए दोस्तों। उसके बाद हमको इसमें फॉन्ट चेंज करना होगा, तो यहाँ पर देखिए आ जाते हैं फॉन्ट में, जो यहाँ पर अच्छा फॉन्ट लगेगा उसको यहाँ पर हम लेने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट वाला स्पोर्ट्स वाला भी फॉन्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला है स्पोर्ट्स का ही फॉन्ट है, वैसा ही यहाँ पर दिखता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसको देखिए ले करके आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको इसमें अगर 3D अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर 3D दे सकते हैं, लेकिन डेप्थ इसका रखिएगा 1। उसके बाद दोस्तों सेम कलर का यहाँ पर हम रखना चाहते हैं, ये देखिए आपको कैसे इसको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कलर वाला जो ऑप्शन है इसमें आना है, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है PNG इसमें सेलेक्ट करेंगे, जो कलर का हमको चाहिए ये वाला जो टेक्स्ट था, यहाँ देखिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा। यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखिए आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको हम कर दिए। उसके बाद दोस्तों इसमें स्ट्रोक डालेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें शैडो है, इसके बाद स्ट्रोक है, तो पहले स्ट्रोक डालते हैं। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रोक है, यहाँ पर इसको स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको देखिए ऐसा सेट करना है कि ध्यान में रखना है कि ऐसे सेट करेंगे जो कि एकदम प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया स्पोर्ट्स। उसके बाद अगर इसमें शैडो भी देना चाहते हैं तो शैडो भी दे सकते हैं, इससे और अच्छा लगता है, लेकिन शैडो यहाँ पर अच्छा, ये देखिए शैडो नहीं दे रहे फिलहाल में, स्ट्रोक दे करके अभी हम हट जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसी को यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से कॉपी करना है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा है स्पोर्ट्स 24 इंडिया, जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 24, यही सेम वाला कॉपी करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर 24 और यहाँ पर फिर से इसी में कॉपी करना है और फिर से यहाँ पर इसको लाना है और यहाँ पर हम डाल देते हैं इंडिया, तो देखिएगा INDIA है, यहाँ पर देखिए इंडिया आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हम बीच में ले लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ये प्रोफेशनल लग रहा है, बल्लेबाज के साथ है, यानी कि देखिए स्पोर्ट्स 24 इंडिया। इसका आप क्या करना है इसमें दोस्तों, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको मर्ज कर लेना है, या उससे पहले इसमें पहले हम आपको एक और बात दिखा देते हैं। इसमें
यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करके यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर देखिए स्ट्रोक अगर यहाँ पर हम देते हैं तो देखिए ऐसा ये लग रहा है। स्ट्रोक देने से इसमें और अच्छा मतलब कुछ और अच्छा मतलब लगने लगता है। लेकिन ये जो कलर है सेम कलर का हमको स्ट्रोक चाहिए तो फिर से वही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये वाला फिर से क्लिक करेंगे, यही वाला देखिए यहाँ पर ले लेते हैं या क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे तो देखिए सेम कलर का स्ट्रोक आ गया। और यहाँ पर देखिए जितना आपको लेना है आप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना जानदार यहाँ पर लोगो लग रहा है स्पोर्ट्स चैनल के लिए। तो दोस्तों एक और काम कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए पहले आ जाते हैं, इसके बाद इसको लॉक करके यहाँ ये वाला जो था बल्लेबाज वाला इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इसमें कुछ हम शैडो दे देते हैं। तो देखिएगा इसको थोड़ा शैडो देंगे तो और अच्छा लगेगा। इसमें देखिए हम थोड़ा सा ना इसमें हम वाइट शैडो हम देना चाहेंगे हल्का इसमें, तो देखिए ये देखिए वाइट, अगर हल्का वाइट दे दीजिएगा ना तो देखिए और शानदार लगता है। इसको थोड़ा सा शैडो दे दीजिएगा तो बल्ले वाला जो है ये देखिए ऐसा आ गया, इफेक्ट आ गया। इसमें देखिए फिर से यहाँ पर आपको लॉक कर देना है दोस्तों। उसके बाद पहले आपको क्या करना है कि दोस्तों सबको एक में मर्ज करना होगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आना है, उसके बाद सबको मर्ज करना है कैसे, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए जितना इसमें पार्ट हम लिए हैं सबको एक में मर्ज करना है। तो ये सब सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देंगे। ये जैसा ही यहाँ पर पूरा ले लेगा ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैक चले जाते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए ये हिलेगा तो देखिए सब मर्ज हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आना है आपको, यहाँ पर देखिए कलर फिल्टर है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको कलर फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा कलर आपको इसको बनाना है थोड़ा सा इसको इसका देखिए कॉन्ट्रास्ट दे दीजिएगा तो बहुत ही जानदार लगेगा। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसा आपको बनाना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, फाइनली ये दोस्तों आपका लोगो कंप्लीट है। अब इसको क्या करना है कि PNG बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आ जाना है शेयर वाले पर, यहाँ पर आकर के नीचे देखिए अल्ट्रा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जैसे ही सेव हो जाता है, ये आपका PNG लोगो सेव हो गया। तो दोस्तों अगर चाहते हैं कि नहीं सर इसके पीछे मेरा बैकग्राउंड भी होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम गैलरी में आना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बैकग्राउंड आपको लगा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला बैकग्राउंड है, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है दोस्तों, ये आप देख करके एकदम चौंक जाइएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आना है, इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा है, यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लीजिएगा, आपका लोगो कंप्लीट है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।